नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनकी दाएं हाथ की उंगली में जकड़न और दर्द था। डॉक्टरों ने उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी। ऑपरेशन के लिए सीएम ने प्राइवेट अस्पताल की जगह सरकारी अस्पताल को चुना। गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं अरुण कुमार। उन्होंने मीडिया को बताया कि 22 जून को सुबह 9 बजे हमीदिया के न्यू ओपीडी ब्लॉक में चौथी मंजिल पर ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ सीएम का ऑपरेशन किया गया। हमीदिया अस्पताल गांधी मेडिकल कॉलेज के अधीन आता है। हड्डी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव गौर और एनेथेसिया के विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आदित्य अग्रवाल की टीम ने सीएम का ऑपरेशन किया। सीएम ने भी ट्वीट कर अपने ऑपरेशन की जानकारी दी। लिखा, आज शासकीय हमीदिया अस्पताल में हाथ का ऑपरेशन कराया जो सफल रहा। आप सभी प्रदेशवासियों की दुआओं के लिए धन्यवाद। जल्द ही स्वस्थ होकर प्रदेश के विकास और उन्नति के लिए कार्य करूँगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ के ऑपरेशन के दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी अस्पताल में मौजूद रहीं। उनके अलावा मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष हीना कावेर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भी इस दौरान अस्पताल में मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम कमलनाथ को जल्द स्वस्थ होने की दुआएं दी, उनके लिए कामना की। उन्होंने ट्वीट किया, कमलनाथ जी सदैव स्वस्थ रहें, मेरी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जी, हमीदिया में अपना इलाज कराने का आपका फैसला प्रशंसनीय और स्वागत योग्य है। साथ ही मैं यह चाहता हूँ कि जो सुविधा आपको वहाँ मिली वही आमजन को भी मिले, उन्हें इधर उधर भटकना न पड़े। शिवराज सिंह ने सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए सीएम की तारीफ की। साथ ही ये भी सलाह दी कि जैसी सुविधा सरकारी अस्पताल में उन्हें मिली वैसी ही सुविधा आम लोगों को भी मिले। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक जिस दिन सीएम का ऑपरेशन था, हमीदिया अस्पताल का नज़ारा बदला हुआ नजर आया। डॉक्टर हों या नर्स या चाहे सिक्योरिटी गार्ड, हर कोई मरीजों के साथ नरमी से पेश आ रहा था। अस्पताल में हर जगह साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा था। आम दिनों में ऐसा नज़ारा यहाँ मरीजों को देखने को नहीं मिलता है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शायद इसी बात को लेकर कमलनाथ पर तंज कसा था। हालांकि मुख्यमंत्री ने सरकारी अस्पताल में इलाज कराकर एक संदेश देने की कोशिश की है। वह चाहते तो अपना इलाज विदेश में भी करा सकते थे। व्यक्तिगत तौर पर भी उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन उन्होंने सरकारी अस्पताल को चुना और अपनी सर्जरी कराई। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके बाद राज्य के सरकारी अस्पतालों की स्थिति सुधरेगी। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए। और अगर अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। कैमरे के पीछे हैं रूहानी। दी लल्लनटॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लनटॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लनटॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लनटॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लनटॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लनटॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।